सर्वप्रथम मैं आपको सिंचित करने वाले और आपके प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुंज, आपके गुरुदेव और आपको आपकी ही विचारधारा से जोड़ने वाले मेरे हमदर्द, मेरे साथी प्रोफेसर धर्मवीर जी का आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे परिवार, चिकित्सालय परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इनका, कि इनकी वजह से आज आप जैसे दिव्य आत्माओं के, दिव्य जिज्ञासी प्रवृत्तियों के, प्रकृति प्रेमियों का सान्निध्य मेरे को मिला और कुछ आपसे सीखने का भी, सिखाने का भी मेरे को अवसर मिला। आप योग कक्षा, सबसे पहले तो आप बोलो कि आनंद आ गया यहाँ पे आके। मेरे गुरुजी को कहो, गुरुजी यहाँ लाके बड़ा आनंद दे दिया अपने। ये 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 शब्द मेरे नहीं है, मेरे ही एक साथी हैं आनंद मठ के, रमेश आचार्य जी। हाँ, तो उनके ये हैं और इन्हीं को हम फलीभूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, वाकई आनंद आया कि नहीं आया? अच्छा, तो अब चलते हैं। देखो, आप योग से जुड़े हुए हो, अब कैसे जुड़े हुए, आप जबरदस्ती जुड़े हुए हो कि या आप अपने स्वास्थ्य को लेके जुड़े हुए हो, या आप सामाजिक के समरसता को लेते हुए जुड़े हुए हो, कैसे जुड़े हुए हो, वो तो आपकी भावनाएं हैं, आपके साथ है, वो तो आपके विचार हैं। पर आप योग से जुड़े हुए हो तो सीधी सी बात है कि आप जब फील्ड में जाते हो तो योग वाले से अपेक्षा सभी ये रखते हैं कि भाई ये हमें स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दे। मानते हैं कि नहीं मानते सभी? और स्वास्थ्य टिप्स तभी दे पाओगे आप जब आप स्वयं स्वस्थ रहोगे और आप कुछ जानोगे। आप उसको ये तो है नहीं कि भाई लाओ चटाई, मैं आपको बता दूं आसन, वो तो बता नहीं पाओगे। और कुछ आसन और प्राणायाम काम भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अक्सर धर्मवीर जी भी कहते हैं, और मैं तो कहता ही हूँ, क्योंकि हम तो, हमारी तो लाइन ये है, इनकी योग में, ये योग में ज़्यादा बढ़ गए, मैं प्राकृतिक चिकित्सा में ज़्यादा बढ़ गए। तो बाकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये योग और नेचुरोपैथी। योग के बगैर प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है और प्राकृतिक चिकित्सा के बगैर योग अधूरा है। अगर हमने शारीरिक श्रम न करने वाले के लिए है योग, शारीरिक श्रम और न करने वाले के लिए ही प्राकृतिक चिकित्सा है। योग भी शारीरिक श्रम न करने वाले के लिए है और योग भी शारीरिक श्रम न करने वाले के लिए है। अगर शारीरिक श्रम, एक आप बताइए, एक सुबह से लेकर शाम तक हल जोतता है एक किसान, उसको आसनों की, प्राणायाम की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। उसको प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ आवश्यकता होगी? नहीं होगी। क्योंकि जो शारीरिक श्रम करता है ना, वो मानसिक श्रम उसका बहुत ही कम होता है, और जिनका शारीरिक श्रम कम हो जाता है उसका मानसिक लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप जिस चिकित्सा में आज आए हो, जिस चिकित्सा को आप सीखने के लिए आए हो या विजिट बतौर आए हो, तो आप से अनुरोध मेरा यही है कि आप योग के साथ साथ इसको बढ़ाए चलो, अपने दैनिक जीवन में भी अपनाओ इसको, और आपके इर्द गिर्द जो भी हैं उनको इस चिकित्सा से जोड़ो। आप इस विचारधारा से, एक ही विचारधारा है आपकी भी, तो इस विचारधारा में आप जोड़ते जाओ सभी को। और आप जिस पद्धति से, मैं आपको बताता हूँ, जिस पद्धति से आप जुड़ने जा रहे हो वो चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल और बहुत ही सुलभ और बहुत ही उम्दा चिकित्सा पद्धति है। इसमें आप सरलता से सबका ट्रीटमेंट दे सकते हो, सबका मतलब प्रत्येक रोग का आप निदान कर सकते हो आप। और आप एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि प्राकृतिक, जैसे मान लो किसी को कब्ज की शिकायत है, आप उसको कौन सा प्राणायाम करवाओगे कि उसको लाभ हो जाए, इमिडिएटली उसको आराम हो जाए? कौन सा प्राणायाम करवाओगे, कौन से आसन करवाओगे? नहीं, आसनों का भी यही होता है। जब अगर इस कमरा, ये कमरा है,
जब इसमें डस्ट का भरा पड़ा है, ये काफी दिनों से नहीं खोला, इसको भरा पड़ा है, और इसमें ऊपर ऊपर हम परफ्यूम मार देंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो क्या इसकी सफाई हो गई? क्या इसमें बैठने लायक ये हो गया? तो ऐसे ही है, जब तक हम शरीर का शोधन नहीं करेंगे तब तक उस बीमारी से हम निजात पा ही नहीं सकते। हम आसन प्राणायाम तो तब किया जाता है जब हमारा शरीर साथ दे, हम मानसिकता से सुदृढ़ हों, सामाजिकता से सुदृढ़ हों, और शरीर से सबसे जरूरी तो है शरीर से सुदृढ़ हों, तभी हम आसनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। अब इसमें प्राकृतिक चिकित्सा को मैंने सरल और सुलभ चिकित्सा पद्धति कहा है, तो ये क्यों कहा है? क्योंकि इस चिकित्सा को आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, आप इस चिकित्सा को वहीं आप कर सकते हो और सरलता के साथ कर सकते हो। आप कोई भी एक रोग ले लो, आप सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पेशेंट जो भी है, आपसे जो भी आशा रखता है, ले लो टाइम, जो भी समय आपसे अपेक्षा रख के और आपसे पूछता है कि ट्रीटमेंट में जी ये बीमारी है मेरे, तो मैं इस चीज का क्या करूँगी, तो आप उसको प्राकृतिक चिकित्सा में लेके, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब प्रकृति से जोड़ने का काम है। तो प्रकृति से आप उसको कैसे जोड़ोगे? पहले तो सबसे पहले उसका आकलन करो, प्रकृति, उसकी प्रकृति को जांचो कि वो कौन सी प्रकृति का है, वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कि कफ प्रधान है। उसका आकलन आपको सहजता से हो जाएगा। पित्त प्रवृत्ति वाला है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, वात वाले के क्या क्या लक्षण हैं, कफ वाले के क्या क्या लक्षण हैं, वो आप सहजता से आप जान भी लोगे और उसका निदान आप सहजता से कर भी लोगे। पित्त वाला है, पित्त वाले के लक्षण होंगे शरीर में उष्णता आ जाएगी, शरीर में ताप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, जैसे बुखार का आना है, दाद खुजली है, स्किन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, तो ये पित्त जनित रोगों में आ गए। कफ जनित रोगों में अस्थमेटिक समस्या वाले आ गए, और वात जनित रोगों में पित्त आलस्य भी लाएगा, थकान भी लाएगा, और चर्म रोग भी लाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। ऐसे ही कफ है, कफ शरीर का मोटापा भी लाएगा, थुलथलापन भी लाएगा, और एस्थमेटिक समस्या लंग्स को भी घेरेगा, छाती चेस्ट संबंधी समस्याएं पैदा कर देगा। ऐसे ही फिर वात प्रधान है, वात में आलस्य भी आएगा शरीर में, थकान भी होगी, और शरीर में जोड़ों में दर्द भी आ जाएगा, शरीर में बॉडी में कहीं भी दर्द आ जाएगा, तो वो वात प्रधान रोगों में आएगा। अब उसका हम सरलता से इलाज कैसे कर पाए? उसका हमने ये जान ली, प्रकृति जान ली, लक्षणों को जानते हुए प्रकृति को जान लिया। अब पित्त वाले को हमें ये बताइए, आप सुबह से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, मैंने बताया भी था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पित्त वाले पेशेंट को हम ठंडा देंगे कि गर्म देंगे ट्रीटमेंट? ठंडा देंगे, ठंडा ट्रीटमेंट दे दो उसको। ठंडा कौन, किस किस की है प्रवृत्ति ठंडे में? जैसे जल की है, जल चिकित्सा, वो ठंडा है, शीतलता देगा वो शरीर को। मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है, वो शीतलता देगा। जो ठंडे वाला जो भी है, ये नहीं है कि एक ऊपर से, मतलब शरीर में ठंडक दे, वो ट्रीटमेंट हम दे के उसको प्रकृति है उसकी प्रकृति का दमन कर सकते हैं। ऐसे कफ वाला है, कफ में गर्म देंगे, और पित्त इसमें वात में भी गर्म देंगे, तो उसमें आप आकलन कर लीजिए, उसमें जैसे शिरोधारा गर्म पानी का दे सकते हैं, प्लास्टिक धूप स्नान दे सकते हैं, धूप स्नान दे सकते हैं, क्रोमाथेरेपी दे सकते हैं, चादर लपेट दे सकते हैं, ट्रंक पैक दे सकते हैं, गोल टब दे सकते हैं, अस्तपाद स्नान दे सकते हैं, गर्म रीडी स्नान दे सकते हैं, ये भाप स्नान दे सकते हैं, तो काफ़ी ये हॉट फुट बाथ दे सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो दे के उस बीमारी से हम छुटकारा दिला सकते हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा करके, अब ये बहुत ही अगर लंबा चला जाएगा, अगर बताते जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा,
तो यही है, मैं आपके गुरुजी के समक्ष ये कहना चाहूँगा कि आपको वादा देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे मेरे से सीखना चाहो, 24 घंटे आप कभी भी मेरे पास फ़ोन कर सकते हो, मेरे से जान सकते हो कि गुरुजी ये है, ये दिक्कत है जी, इसको ये दिक्कत है, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट दें। आप यहाँ आके आपने सहजता से आपने जान भी लिया ट्रीटमेंट का, आपको मैं बता भी दूंगा तो आप आराम से सहजता से आप कर लोगे वो ट्रीटमेंट। तो आप मेरे को भी अच्छा लगेगा, कि मेरे को अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि आप यहाँ आए हो, मेरे सानिध्य में आपने कुछ ना कुछ सीखा है, मेरे को अच्छा लगेगा कि आप यहाँ मेरे से जानोगे। तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे फ़ोन नंबर है आप कार्ड में दे दूंगा, या लिखना चाहो तो करना चाहो तो कर लो आप, 8683881272 86 83 88 12 बारह बहत्तर बेहतर। हाँ वो गुरुजी से ले लेना आपने, 86 83 88 12 बहत्तर जैसा। और एक ये भी है कि इसमें कई बताते हैं कि एक विचारधारा ऐसी बनी हुई है कि लोगों की थिंकिंग कि इसमें जी पैसे नहीं है, इसमें वो नहीं है। इस चिकित्सा का मैं बता दूं आपको, इस चिकित्सा में मान सम्मान इससे बढ़कर, इस चिकित्सा से बढ़ के कहीं भी नहीं है जी। आप एलोपैथिक हॉस्पिटल कहीं भी खोल लोगे, वहाँ आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मान सम्मान आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, शारीरिक मानसिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ेंगी आपको। इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मानसिक श्रम करना पड़ेगा, और आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर योग और नेचुरोपैथी के आप बन सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो पैसे में, बहुत ही बढ़िया चिकित्सा पद्धति है। इसमें विस्तृत बता दूं आपको कि मैं भी एक मतलब इसे डॉक्टरी लाइन से पहले मैं मास्टरी से जुड़ा हुआ था, संस्कृत का मैं टीचर था 2007 में, वो जॉब छोड़ के वो उस दौरान कुछ रहा कि उस दिन तो ये रहा कि भाई वो गलत छोड़ दी नौकरी, पर आज मेरे को ये लग रहा है कि वो जॉब जॉब छोड़ी है ईश्वर करवाता है, और कुछ ईश्वर की अध्ययन होती है, कुछ धर्मवीर जी जैसे साथियों का सहयोग रहता है, और आज मैं बड़ा ही खुश नसीब मानता हूँ मेरे को कि मैं इस चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है जी, इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो आप घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। और मतलब मैं चिकित्सा एक के बार साथ साथ, सम्मान, और मैं कहता हूँ जितनी पैथी उनमें सबसे बड़ी अच्छी पैथी क्या है, सैमपैथी, सहानुभूति, तो इस चिकित्सा में मिलती है। और मैंने यहाँ खुद देखे बड़े बड़े इंस्पेक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, फॉरेन से भी लोग यहाँ उपचार करवाने आए हैं, सारे हॉस्पिटलों से नाता टूट गया जब उनका, आस छूट गई, तब यहाँ मैंने ठीक होते हुए देखे हैं। और सारे रोग, टीबी, अस्थमा, कैंसर, मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, तरह तरह की बीमारियां, वोमिटिंग प्रॉब्लम, लूज मोशंस, इनफर्टिलिटी, गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेन चीज की प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे भयंकर रोगी यहाँ बिल्कुल आराम से ठीक होके गए हैं। वाले हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास नहीं जाते। आप धीरे धीरे आप जुड़े हैं तो सीख जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, पहला दिन आपका शुरुआत है, तो हम चाहेंगे कि दो शब्द मैडम अगर बोल दें। और मैं बताना चाहूंगा कि इस चिकित्सा में, इस चिकित्सा को बढ़ाने में मतलब मेरे जो गुरु शिष्य वाली जो परंपरा को जो बढ़ा रहे हैं, वो मेरे शिष्य जैसे और भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये नोवा सेंटर है, मतलब मेरे सुपुर्दगी में ही समझो आप, ये नोवा सेंटर है। ऐसे 8 सेंटर और भी चल रहे हैं संगीता जी, तो जो बहुत अच्छे लेवल के चल रहे हैं और बहुत बढ़िया चला रखा है। एक
जयपुर में है, नारायण हॉस्पिटल के पीछे बैक साइड में, और सिंघानिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, उनके साथ में चला रहे हैं हम। और ये सेंटर है, सीमा में दो सेंटर चल रहे हैं, एक नारनौल में चल रहा है, दो अटेली में चल रहे हैं, एक नांगलमुंदी में चल रहा है, और एक गुड़गांव सेक्टर 14 में चल रहा है। और अभी उसी विचारधारा को अश्वनी जी भी बढ़ाने जा रहे हैं, अभी अश्वनी जी भी यहाँ पे अपने रेवाड़ी में कर रहे हैं, रेवाड़ी में खोलने जा रहे हैं।